हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फॉर्च्यूनर कार सहित 40 लाख रुपए बरामद, एक गिरफ्तार। रानीवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक फॉर्च्यूनर कार में से करीबन 40 लाख रुपए बरामद कर चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी मिठूलाल मेघवाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के आदेश अनुसार एवं सांचौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह एवं रानीवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल मेघवाल के निर्देशन में रानीवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे प्रभावी गश्त एवं नाकाबंदी अभियान के तहत ASI अल्ताफ हुसैन में पुलिस जाब्ते ने रानीवाड़ा भीनमाल सड़क मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान भीनमाल की तरफ से तेज गति से आ रही सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार को रुकने का इशारा किया गया, मगर वाहन तेजी से रानीवाड़ा की तरफ जाने लगा तो पुलिस जाब्ता द्वारा पीछा किया गया एवं कस्बे के भीनमाल फाटक के पास वाहन संख्या RJ07UC1777 को रुकवा कर चालक सायला पुलिस थाने के सांगाना निवासी पाडू खां पुत्र बशीर खां मंगलिया सिंधी मुस्लिम से पूछताछ की गई। इस दौरान चालक पाडू खां द्वारा पुलिस को गुमराह करने की हरकतों से पुलिस को संदेह लगा, जिस पर वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन के अंदर एक प्लास्टिक के कट्टे में 40 लाख रुपए नकद पाए गए। पुलिस ने उक्त रुपयों के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन चालक पाडू खां संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने नकदी एवं फॉर्च्यूनर कार सहित चालक को पुलिस थाने लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 40 लाख रुपए धारा 102 CRPC एवं वाहन को धारा 207 MV एक्ट में जब्त किए गए। वहीं वाहन चालक पाडू खां को धारा 109 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच हेतु उक्त मामले की सूचना ED एवं इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। पुलिस की उक्त कार्रवाई में ASI अल्ताफ हुसैन के साथ कांस्टेबल पप्पू राम एवं दिनेश कुमार शामिल थे। एक कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी भीनमाल की तरफ से आई, उस गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया, गाड़ी रोकी नहीं, जिस पर उन्होंने पीछा करके रानीवाड़ा कस्बे में गाड़ी को रुकवाया और उस गाड़ी में सवार पाडू खां जो सांगाना थाना सायला का रहने वाला है उससे पूछताछ की और गाड़ी की तलाशी ली तो उस गाड़ी के अंदर 40 लाख रुपए कैश मिले हैं और उन पैसों के बारे में पाडू खां किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पाडू खां को 109 गिरफ्तार किया और 40 लाख रुपए कैश जब्त किए गए और फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई और इसके संबंध में आगे जांच जारी है। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।